आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे टेस्टी चिकन वेजिटेबल चाउमीन। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये एग नूडल्स लिए हैं 2 पैकेट। अब हम इन्हें खोल लेंगे और इन्हें पानी में डाल के बॉईल करेंगे। इसमें ऑयल हम डालेंगे 2 चम्मच, नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसका जो सॉस तैयार करना है मैं आपको बता देती हूँ। 2 दरमियाने टमाटर का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसमें हम डालेंगे चिली गार्लिक टमाटो सॉस और 2 चम्मच के करीब सोया सॉस और 2 चम्मच के करीब वर्स्टर्शायर सॉस और 1 चम्मची कुटी लाल मिर्च और हम डालेंगे अब चिली सॉस 1.5 चम्मच के करीब। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं आपको वेजिटेबल्स बता देती हूँ। पत्ता गोभी हमने ली है और प्याज, हरी मिर्च, गाजर और 4 लहसुन के जवे जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये सारी हमने वेजिटेबल्स ली हैं। शिमला मिर्च नहीं ली, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ऑयल लिया है हमने 4 टेबलस्पून के करीब, इसमें हम डाल देंगे चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच करीब और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के इसे 2 मिनट चलाएंगे और ढक के रख देंगे। नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, हमने इसे ठंडे पानी से धो लिया था। इसमें चिकन पाउडर डालेंगे 1 चम्मच के करीब, सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच के करीब और चिली सॉस डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब। और ये देखिए चिकन भी बस रेडी हो चुकी है। इसमें काली मिर्च डाल के इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे और बस। और अब इसका जो ऑयल है ना, इसमें हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। लहसुन को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन करना है। और इसके बाद प्याज डाल देंगे, प्याज को हमने फ्राई करना है। और फिर गाजर डाल देंगे, गाजर फ्राई करेंगे। पत्ता गोभी डाल देंगे, और पत्ता गोभी डालेंगे तो हमने इसे 1 मिनट फ्राई किया था। और इसमें हमने डाला फिर सोया सॉस, और सोया सॉस डाल के इसे फ्राई कर लें आप तकरीबन 1 मिनट के करीब। जब ये फ्राई हो जाए फिर आप इसमें हरी मिर्च डाल दें। सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना, कच्चा ही रखना है, फिर ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर एंड में आप डाल दें कुटी हुई काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। सब्ज़ियाँ फ्राई होने के बाद निकाल लें और तवे के ऊपर ऑयल डालें 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद नूडल्स डाल के उसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दें और थोड़ा सा नमक और 1/2 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाल के अब आप इसे फ्राई कर लें तकरीबन 1 से 2 मिनट के करीब। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर आप इसको निकाल लें किसी बोल में। और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे सॉस, और ये जो हमने सॉस आपको दिखाया था ये इसमें डाल देंगे। इसे आपने पकाना है, पकाते हुए आप इसके अंदर 2 चिकन क्यूब डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से पका लें। तेज़ आंच पर पकाएं इसे और इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दें 1/2 चम्मच के करीब। और ये देखिए तेज़ आंच पर पकने का, तब ये गाढ़ा हो गया है। अब आप ये सॉस नूडल्स के ऊपर डाल दें और इसे मिक्स कर लें हल्का सा। और इसके बाद आप डाल दें इसमें वेजिटेबल्स और चिकन, और अब आप इसे मिक्स कर लें। चिकन वेजिटेबल चाउमीन रेडी है। आप ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।